एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राशि डेडाज व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 10:30। मैं उठी, नहाई, खाना, स्कूल गया, वो सब मॉर्निंग रूटीन हमारा जो था वो सब शुरू करा। उसके बाद डीवा भी उठी, बुआ के घर चली गई, वहाँ से आएगी थोड़ी देर में, तो मैंने सोचा था मैं नहा लेती हूँ और अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। दिखाती हूँ बाकी सब क्या कर रहे हैं। ये वहाँ बेटी की गॉसिप चल रही है, चलो इन्हें पकड़ते हैं। नाश्ता कर चुके हो ना तुम? जब इतना बोला रहो खा भी सकते बोल मम्मी, कोई रावण लग रही हूँ? रावण की ड्रेस है मेरा, पुतला की ड्रेस है, अजीब सा रंग कर बंद गई हूँ। लग रही है मम्मी? ऐसा अच्छी, बहुत अच्छी लग रही है। देखा कुछ भी बोलते हैं, मजाक कर रहा हूँ, बहुत सुंदर है। आ ये आ गई गैल वापस, आ जा भाई, हमारा बच्चा तो गैल वापस भेज दे, कोई राजी नहीं हमारे बच्चा तो गैल ऊपर जाए तो गैल नीचे, नीचे तो कोई ले जाता नहीं, नीचे वाले ने कोई मतलब नहीं, और पड़ोसी ले जा, पड़ोसी गैल वापस दे जा, हमारे बच्चे तो गैल वापस भेज दे। सुन रही है बेटो, तो पापा गैल रहेगा, अभी भी पापा गैल जाएगा, आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों गैल मिलकर गाड़ी में चलेंगे। तू ऐसा करेगा, फ्रांस कर देगा नहीं, और मैं इंश्योरेंस कार्ड देकर हुआ ठीक है, और खाना गाड़ी तैयार कर देगा ना, डिलीवरी कर देगा कि ऐसा मिलकर बुक कर दी। रोटी खाएगी? खाएगी, हाथ देगी यार, देख रही खाएगी नीचे देख के, एकदम यूं देख रही ना रोटी, अभी रुक जा, अभी 2 मिनट रुक जा, बस 2 मिनट बाद एक खूब रोटी पोटी सब खाएगी। पोटी तो मत खाओ, ले रोटी खा ले, ले उसको ले जाएंगे ना इंडिया से बाहर, मैं मांग रही हूं देश ले जाओ, नेपाली नेपाली ले जाएंगे, अरे मेरे बच्चे को पासपोर्ट ही देना पड़ेगी, ऐसे ही ले जाएगा, एक पासपोर्ट में स्टैंप ही लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, ले जाएंगे तारा ऐसे ही। आगे पूरा ध्यान अब कप है कि चाय पी जा रही है। तो देखो माँ बेटी का व्लॉग में व्लॉग बन रहा है। दीदी तेरी ड्रेस किस वाली दी है? अच्छा क्या दिया बड़ी माँ? जो तुम लाई और लोगों की डिमांड थी, बड़ी माँ ने बहुत दिन से शॉपिंग नहीं करी, कुछ मिला ही ना मम का, मैं थोड़े लॉन्ग में सोच रही हूँ ऐसे, और थोड़े लॉन्ग से आज लड़की का फोटो शूट है, 3 बजे कह रहे। अच्छा फोटो सो लाइफ में पहली बार मैं पेट में तो खा चुकी है, और अब किन्नू खा का स्वाद लेती हुई लड़की, क्या अच्छा लग रहा है ये किन्नू किन्नू किन्नू, अच्छा लगा किन्नू ना, आए अमेरिकन संतरे किन्नू बोल रही है, हमारे इंडिया में ना किन्नू ही बोला है ये छोटे, मैं राती से यूं लड़ रही, मैंने कहा किन्नू है, कह रहे किन्नू ना है संतरा, ये हमारे इंडिया के छोटे साइज के किन्नू है, देख के तो ऊपर से मैंने किन्नू ही समझ, और उल्टा इन्हें कोई सस्ता मंगा दे जितना महंगा मंगा के तो बैठी है, महंगे आए मीठे है ना। तो आज हम दोनों ये ड्रेस पहन रहे हैं, ड्रेस देख कर गई येलो एंड पिंक, वो पता क्या कहा इन्होंने सुबह से, क्या कॉम्प्लीमेंट दिया ड्रेस में, गेस कर क्या कहे होंगे, किसने के पापा? हाँ नहीं, ड्रेस देख के क्या पहन रखा होगा मैंने वो तो तेरी सोच से बाहर है, रावण सी लग रही है अनका लगा ले, चल ज्यादा कर रही है तो तू कुछ ही बोल दे तेरे पापा। सो घर में होगी फुल तैयारी, मैंने मेकअप नहीं करा, बस बेस बनाना ही स्टार्ट करा था, और भाग ले लीजिए हलवाई आ गए, बात करते हैं उनसे। बड़े-बड़े so guys, अभी हो गई है इवनिंग, हमारे हलवाई वगैरह हो गए बुक, और ये माँ बैठी कर रही है यहाँ पे आराम, और वो देखिए पीछे क्या ढेर है हमारा, सारे करे अब इतने सारे हमने करी हैं वीडियोस बनाई दोनों बहनों ने मिलके, और ये फैला फुलू के और सो गई, और अब उसको संगवाए कौन, तू तो संगवाने वाली लग रही, मैं कहीं चाय बना दे फिर मैं कर दूंगी, मैं देगा चाय में बनाऊंगी या संगवाएगी, ये चल ना चाय बनाऊं, तूने संभाल ले, वो एलर्जी आ जाएगी, मैं थक गई। ओ हो
तो चलो मैं चाय बनाती हूँ। ये जो ये पीछे पूरे कपड़ कोट बड़े पड़े हैं सब संगवाएगी, ये तो यही है। नीचे जूते चप्पल अलग फैले, ज्वेलरी अलग फैली है, और यहाँ पे ये अलग सामान है, ये सब करेगी ये। और हम जाने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं हम बता? चांदनी चौक का पहले तू खोल दे। और हाँ, मतलब 5-7 दिन अगले मार्केटों में ही दिखेंगे। अब हमारी डेली होगी शॉपिंग। इतना ज़्यादा कौन सोता है? 10 मिनट के लिए कौन सोता है? फिर बेटी और ऐसे हंसते हैं, आई पे हैंड रख के चुप के हंसते हैं, चुप के रे। हेलो टीवी रोने लगी, और बाकी की चाय का काम संभालेगी अब बड़ी माँ। बनाओ, हम इसको मिलते हैं थोड़ी देर में, इसका ब्रेक करवा के। अकेले पहले हो गए कैसे टिकट से तुम्हारे, जो बेटी से ना पूछ रहे हो। ओए 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 चाय पियो यार, अभी से खाली हो जाएगी बाप की तरह। हाँ खुल रहा है, चल मतलब हमें शर्म आनी चाहिए, रूपाली जैसे उठा सके और हम जैसे साउंड ऐसे खड़े। क्या नाम उठा लियो मेरे, भारी बहुत है ये रूपाली उठा सके तुम्हारा मत लियो। धुंध शॉपिंग करी, धुंध ट्रॉली ऐसी भर ली, फिर एक मकान मिल गए दो भर ली, फिर हम गए बिलिंग पे, बिलिंग ने जितनी लंबी लाइन मुझे मारे इतना सामान फिर क्या करा उंगली रखा वापे जीनी के वापे जो रखा वो सुनो आपके हाथ में जो है वाके अंदर ही पिन्नी सी पहले इनके कमरा भी था पूरा यू ही पूरा उधर सबको वो कमरा वमरा सब हटगा ना।
हे गाइस, गुड इवनिंग। सो अभी घर की हालत आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ क्या हो रहा है। गाइस, जब आपके यहाँ कोई फंक्शन या पार्टी होता है, आपके यहाँ सबसे पहले क्या तैयारियाँ चलती है, मैं बताती हूँ अपना। हमारे यहाँ चलती है सबसे पहले साफ सफाई। सो, उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। और घर में देखिए, सफाई जब होती है उससे पहले जो गंदगी मचती है, कितना बुरा हाल होता है। नीचे का आपने देखा था, सुबह मैंने दिखाया था, मॉर्निंग में हम गए थे बेसमेंट में, वहाँ पे सफाई करी। उसके बाद मैं ऐसी सफाई में पागल हुई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे व्लॉगिंग करनी थी, बट अभी भी कुछ हुआ नहीं है। सब इधर उधर इधर उधर बिखरा पड़ा है सब कुछ। सभी दिखाती क्या क्या हो रखा है यहाँ पे। चल रहे हैं कपड़े, विंटर्स के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, वो इतने मोटे मोटे होते हैं, और एक जहाँ कॉटन के 10 कपड़े आएंगे वहाँ मुश्किल से 4 कपड़े आते हैं विंटर्स के, है ना। तो वही हो रखे हैं, वो सब निकाले हैं, उनके लिए स्पेस बनाया है मैंने, क्योंकि ना एक साथ अलमारी में विंटर्स के कपड़े, जैकेट वगैरह रखनी, जर्सी, स्वेटर, शॉल, स्टॉल, बच्चों के कपड़े, तो बहुत ही ज़्यादा भर जाते हैं। और नॉर्मल जो नीचे पहनने के होते हैं, थर्मल वियर, फिर नॉर्मल पैंट शर्ट या फिर सूट वगैरह, वो सब अलग। तो उसके लिए मैंने अलमारी खाली करी है। मैं यहाँ पर दिखाती हूँ क्या हालत हो रखी है अलमारी की, घर की। देखो यहाँ से आने कोई मतलब कोई कह रही सफाई है या गंदगी है। आज ही हो क्या रहा है, कचरा 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 कचरा। ये सारे मेरे कॉटन के सूट हैं जो अब रखे जाएंगे और विंटर्स वाले निकलेंगे। ये पैंट है, इनके छोटी है मतलब थोड़े साइज में, वैसा नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू राशि डेडाज व्लॉग। अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 6 और मैं उठ गई हूँ, खाना के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। आज मिकी स्कूल जा रहा, मिकी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, सो खाना के लिए जाएगा आज। मैंने सोचा चलिए उसके लिए कुछ बना दूँ, उसने कहा रात में को बस पराठे नहीं चाहिए, और मतलब कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, कुछ अलग सा स्नैक्स वगैरह कुछ दो। फ्राइडे होता है तो इनको मन होता है कि कुछ अच्छा अच्छा सा लेके जाएं। सो मैंने सोचा आज क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, रात को कोई तैयारी भी नहीं थी, एंड टाइम पे उसने बोला मुझे पराठे नहीं चाहिए, सो चलिए उसके लिए पकौड़े बना देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ उसके लिए चाय पकौड़े, अभी ब्रेकफास्ट कर जाएगा और लंच में वो पकौड़े ही ले जाएगा। तो गाइस मुझे कमेंट करके बताना आपके घर में इतना बूढ़ा बच्चा कौन रोता है। ये बूढ़ा नहीं है, हमारा छोटा बेबी है। दीवा देवी छोटा, ये तो लाली के जैसा, जितने लाली चल ले रहा क्यों रे। यही तो मेरे को लेना था, मिला दो नंबर, मिला दो क्या बोल रहे हैं। यही तो मेरे को लेना था मिकी। हे गाइस, वेलकम बैक टू राशि डेडाज व्लॉग। कैसे हैं आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो आज का व्लॉग है थोड़ा सा अतरंगी, क्योंकि आज सुबह से, अभी दिखाती हूँ क्या टाइम हो गया है। अभी हो रहे हैं, यहाँ की तो घड़ी खराब ही हो चुकी है, आज भी घड़ी भी खराब हुई थी, 6:30। और सुबह से मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी।
साढ़े छः बज रहे हैं, 7 बजे इन्हें निकलना है स्टेशन और अब होगी इनकी पैकिंग। और यहाँ पे भी तो लिस्ट बन रही है, लिस्ट बोल गया, लिस्ट बना के जाते भाई। वाह, और घर की हालत देखिए, मतलब कितना कबाड़ा। कल मैं सोचती थी कल मैं जब ब्लॉग बनाऊंगी तो बहुत अच्छा होगा, कल का ब्लॉग तो एंड ही नहीं कर पाई, बट अब भी बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो रखा है। सुबह से लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, पानी के बिना तो इतनी बुरी हालत थी कि इनकी तो वॉशरूम जाने के भी लाने पड़ गए। है? है पापा? है? जाने के भी लाने पड़ गए। और खाना बैठे बैठे मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो गलती है ना बेसिकली लेडीज डिपार्टमेंट की है, सारा पानी लाइट जाने के बाद खत्म कर दिया। yes. मतलब दो टंकी होने के बावजूद, ठीक है, मतलब इस तरीके की लापरवाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ये तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, एक गला। अब तुम कर रहे हो पैकिंग, कहाँ की कर रहे हो, जा रहे कहाँ, ये तो बताओ। हाँ, मैं जा रहा हूँ वैष्णो माता के, वैष्णो देवी। तो गाइस, कान्हा के पापा जा रहे हैं वैष्णो देवी। कान्हा के पापा वैष्णो देवी क्यों जा रहे हैं? कैसा बच्चा है तो ये नहीं बता, वैष्णो देवी क्यों जा रहे हैं, क्योंकि घर पे है जागरण, डीवा हो रही है 6 मंथ की, उसके लिए जागरण बोला था, सो उसके पहले जाएंगे वैष्णो देवी, वहां से लाएंगे माता का आशीर्वाद, फिर होगा जागरण। हमारे मुसाफिर चल दिए माता की, वैष्णो माता के जय माता दी दर्शन को, जय माता दी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, जी नहीं मैं टोकटा मत करना है। दीदी बोलेगी पापा आप देखेंगे तुमने कितनी छाप छोड़ी है जीनी में। जीनी में तुम्हारी पूरी छाप है, पर 2 दिन में तो पता होगा जादू मार दो। 2 दिन में हम ले जा रहे हैं नानी घर, चलो घुमा लेंगे। बाय बाय गाइस, आज पूरा दिन ऐसे ही गया, अब हम चल रहे हैं ऊपर खाना खाने, डिनर करने, देखते हैं क्या बना है आज डिनर में। आज डिनर बनी है आलू की सब्जी पूरी, हरी खा रही है आलू की सब्जी, सूखी रोटी तो जड़ता है बड़ी, सूखी रोटी खाने की। तू खाली कहीं चल रही है, रोटी खा रहा, पूरी ना खा रहा हूँ, पूरी रोटी खा रहा हूँ। तो गाइस रात के बज रहे हैं 1 और यहाँ पे डीवा सो गई है, खाना सो गया और उसके साइड में सो रही है पिंकी बुआ। तो आपको पता ही है जब खाना के पापा नहीं होते तो हमारे पास होती है पिंकी बुआ, आज फिर से आ गई है। तो आज वो गए हैं वैष्णो देवी, वो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, चले गए। तो सुबह मॉर्निंग में हमें भी जाना है घर, मायके जा रहे हैं हम फरीदाबाद, सुबह जल्दी जाना है, बट अभी मेरी कोई पैकिंग नहीं हुई है, सुबह उठ के करूँगी। और अब इस वीडियो को मैं ज़्यादा ना खींचते इसको यहीं पे एंड करूँगी, सुबह मॉर्निंग वाला जो ब्लॉग स्टार्ट करूँगी वो सुबह से स्टार्ट करूँगी। तो अभी के लिए फिलहाल गुड नाइट, तुम भी कर दो गुड नाइट। हमारी नंद भाभी की चल रही थी गॉसिप, नींद नहीं आ रही ना, जगह बदल के नहीं आ रही और मुझे भी नहीं आ रही है। अरे यहाँ मेरी बकबक से परेशान हो रही है ये लड़की। काना सो चुका है, काना तो घोड़े बेच कर सो गया। चलिए अब मैं भी कर दूँ इस वीडियो का एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना ज़रूर। बाय बाय।